गाइस रात के 10:15 हो रहे हैं और मैं रबीका के घर मौजूद हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है। रबीका ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है। भाई रबीका आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है अपने यूट्यूब चैनल के व्लॉग में, क्योंकि किसी ने उनसे सवाल कर लिया था कि आप प्लीज़ अपना हेयर केयर रूटीन बता दें। तो उन्होंने कहा कि भाई मेहमान जाए साइड में, मुझे आज किसी भी तरह अपना व्लॉग तो रिकॉर्ड करना ही करना है। तो मतलब हम मेहमान यहाँ पे अकेले सड़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, हमारी कोई कदर कीमत नहीं है। मेरे साथ ही मासूम सा बच्चा भी बोर हो रहा है, इसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। थोड़ा तो लिहाज कर ले इंसान। नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर अच्छा, जो असल बात है वो ये है कि आज रबीका ने जो अपने मेहमानों के साथ किया है, हमें टाइम ना देके, तो उसका रबीका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पता नहीं अल्फाज सही था या गलत था, अगर गलत था तो भाई माफ़ी। तो भाई जो भी है वो रबीका को भुगतना पड़ेगा। और मैंने ये सोचा है कि मैं रबीका का जो व्लॉग वो बना रही है यूट्यूब चैनल का, उससे मैं बर्बाद कर दूँगी। मतलब मैं रबीका से एक प्रैंक करने वाली हूँ, बर्बाद नहीं करूँगी लेकिन एक प्रैंक करने वाली हूँ जिसमें रबीका को याद रहेगी, अपनी नानी से याद रहेंगे। अब मैं और ये खुजम मिल के रबीका की बचा देंगे पैंट। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज नए हैं और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जी देखिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ये वाजिब है। जी हाँ, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लॉग देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मिलते हैं रबीका के ब्लॉग को पर बात करने में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रबीका यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का ब्लॉग बना रही है और मैं जा रही हूँ रबीका के साथ प्रैंक करने। मुझे नहीं पता था रबीका इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से करने वाली है, लेकिन अब जो मैं करूँगी रबीका के साथ वो आप सब लोग देखेंगे। और मैं दिखाती हूँ कि मैं रबीका के साथ एक्चुअली करने क्या वाली हूँ। रबीका के किचन में मौजूद हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से कैंची ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। फिर मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा शायद वो किचन में होगी, तो आप वहाँ देख लो। तो मुझे फाइनली जो मेरी कैंची है वो मिल चुकी है, जो कि ये आपको बराह रास्त नज़र आ रही होगी। ये कैंची मैंने अपने हाथ में इसलिए ली हुई है क्योंकि अंदर रबीका जो व्लॉग बना रही है उसमें वो अपने हेयर केयर को बताने के साथ साथ अपने बालों को भी काट के दिखाने वाली है। लाइक सीरियसली वो अपने व्लॉग में अपने बालों को काटने वाली है। और मेरी कोशिश ये होगी कि जब वो बालों को काट रही होगी तो मैं उसके साथ ये प्रैंक करूँगी कि मैं उसके बाल, मुझे बाल बहुत अच्छे से काटने आते हैं और मैं उसके बाल अच्छे से काट दूँगी। काटूँगी नहीं लेकिन काट दूँगी। सो बड़ा मज़ा आएगा और देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये रही कैंची और अब देखते हैं कि क्या होगा। जा रही हूँ और ये रबीका का व्लॉग बन रहा है और मैं यहाँ पे कोने में बैठ जाऊंगी और मैं अचानक से उसके व्लॉग में एंट्री मारने वाली हूँ। लेकर ये लाइट आने वाली आज से, अभी हाँ आ चुकी है यहाँ पर। और अभी आप मेरी वेरी सॉरी, आपको बोला इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखो, सारे बाल खराब होते हैं, जल जाते हैं। यहाँ देख ले जल जाते हैं। लेकिन पता है रबीका, मैंने ट्रिमिंग ना भी करवाई हूँ लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ मतलब हेयर केयर के लिए और मतलब बालों को काटने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। मेरी मामा है ना, तो उन्हें ये सब चीज़ें आती थी, तो जब वो करती थी ना, मेरी बड़ी बहन की, छोटी बहन की, मेरे बाल, तो बड़े गौर से देखा करती थी मामा किस तरह से सीजर पकड़ रही है, क्या करें ये वो। सो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मैं कभी खुद अपने ट्राई नहीं करती। मुझे भी लाइक सीरियसली, यार सीरियस। लेकिन रबीका
बालों का मजाक है, मतलब बालों बाल है मजाक नहीं है, इधर देख लो नहीं यार बाल काटने लोगों को दिखाने हैं, भले ही जितनी भी बढ़ा लो ताकि उनको पता चले कि वाकई में अपने बालों का ख्याल रखते हो, ताकि वो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे। लेकिन बालों का ख्याल और भी बहुत से तरीकों से रखा जा सकता है ना? नहीं, जो तरीकेकार मैं अपनाती हूँ ना वही लोगों को भी बोलूंगी कि आप भी अपने। तो मैं अपने बाल खोल कर आती हूँ, अगर मैं टाइगर के बैठी मैं खोल के आती हूँ, फिर हम अपना ट्रिमिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपनी ट्रिमिंग। गाइस अब हम अपनी ट्रिमिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे साथ बैठी हुई हेल्प कराने अभी ये लेयर मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे फ्रंट की नहीं करनी, मुझे अपने नीचे के बालों की ट्रिमिंग करनी है, बहुत खराब हो रही है। बट रबीका इतनी चुन्नी मुन्नी सी जो सीजर है इससे नहीं होता। अभी ऐसे से काटते हैं, थोड़े थोड़े बाल लेके कट करेंगे क्या, मतलब पूरे एक साथ थोड़ी करेंगे यार। मैं बता रही हूँ ना, मामा मेरी करती थी, वो सारे काम जानती है, तो मुझे अभी तो मुझे ज्यादा जानती हो ये बहुत, इसको इससे तुम करना भी चाहो ना। अच्छा दिखाओ, पहले हो जाते हैं गाइस सीन सारा ये, मैंने इतनी छोटी नाइफ नाइफ बोली सीजर इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, इट्स ओके हो जाता है। सीजर सीजर मैंने इनकी वजह से नहीं लिए, मैं हमेशा इसी से काटती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो हल्के भी हैं नीचे से, तो इसमें आराम से आ जाते हैं। नहीं रबीका उससे नहीं होता, ये वाली सीजर से होता। अच्छा ऐसा पीछे के उल्टे पुलटे बटन लग रहे हैं यार तुम्हें काफी। अच्छा अभी कंफ्यूजन नहीं करो यार, मैं तुमको बता रही हूं भैया, कंफ्यूजन अब यार रुक जाओ अभी यार। अब आप मुझे बताएं कि मैं, अब आप लोग मुझे कैसे बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछ रही थी मैं ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, बट मैं ऐसे ही काटूं क्योंकि नॉर्मली सैलून्स में ऐसे ही काटा जाता है। नॉर्मली सैलून्स में बेटा ऐसे नहीं पकड़ते, इसको एक मिनट दिखाओ। अच्छा तुम पकड़ो, मैं जरा मैं तो बताती हूं, देखो ऐसे पकड़ते हैं और देखिए इसी तरह से ऐसे हाथ रखते हो और इस हाथ रखने में ओए हाथ तो पकड़ो। शिट आई एम सॉरी अब ये क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ।
वो देखो ना अंकल अंजी सब वहाँ पे झूठ नहीं बोली अंकल को तो मैंने बोला भी था झूठ नहीं बोल दिया यार तुम हंस क्यों रहे हो मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ आपको क्या लगता है आप शेर है तो सामने वाला समझ नहीं हो सकता मैं बताती हूँ क्या प्रैंक करना चाह रही थी मगर वो उल्टा मेरे साथ ही प्रैंक हो गया मेरा दम निकल गया था। अच्छा मुझे हंसी भी आ रही थी कि मुझसे हो क्या रहा है और मतलब उसकी बातों पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था रोना भी आ रहा था क्या मैंने गलत किया ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी मुझे थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए था लेकिन वो तो शुक्र है पता चला कि भाई एंड में मेरे साथ ही हो गया ये प्रैंक लेकिन खैर कोई मसला नहीं अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल और फिर यह है कि और बाकी सारे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा लेकिन अल्लाह मेरी तौबा आइंदा मैं कभी ऐसा कोई प्रैंक किसी के साथ नहीं करने वाली करते करते ये ना कहीं असल में मेरे साथ ही हो जाए सो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।